चिल्ड्रेन, इट्स योर स्टडी टाइम, आर यू रेडी? ओके, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश. लुक हियर, कलर द लेटर एफ. कैपिटल एफ लिखा हुआ है, इस पर कलर करना है. देखिए यहाँ पर मैं कलर करके रखी हूँ, आप अपने बुक में इसी तरह कलर कीजिएगा. ओके, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप. एफ लिखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि कैपिटल ई लेटर पहले आप लिख चुके हैं, तो एफ लेटर लिखने में दिक्कत नहीं होगी आप लोग को. ओके, यहाँ पर आप कलर कीजिएगा, मैं यहाँ करके रखी हूँ, आप भी इस तरह अपने बुक में कीजिएगा. ओके, रीड अलाउड लेटर एफ. एफ इज फॉर फिश. एफ फॉर फिश. एफ आई एस एच, फिश. ओके, नेक्स्ट, राइट एफ बिलो द पिक्चर दैट बिगिन विथ द लेटर एफ. आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पिक्चर एफ लेटर से स्टार्ट होता है. लुक हियर, यहाँ पिक्चर जो बना हुआ है ये लैम का है, तो ये एल से स्टार्ट होगा. ये फ्रॉग है, एफ लेटर से स्टार्ट होता है. और ये फॉक्स है, तो फॉक्स भी एफ लेटर से स्टार्ट होता है. आप लोग को मैं ए फॉर एप्पल वाले बुक्स में बताई थी पढ़कर कि एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फॉक्स. तो यहाँ पर आपको एफ लेटर लिखना है. ये ठीक है, देख रहे हैं, ये आपका एफ लेटर लिखा, लिखे यहाँ पर, है ना. ये क्या हो गया एफ, ये दोनों जो लेटर मैं अभी लिखी हूँ ये कैपिटल एफ. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, यहाँ एफ लेटर लिखने के लिए थ्री स्टेप दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में एफ. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में लाइन बिल्कुल इस तरह, यहाँ पर ऐसे लिखना है, सेकेंड में ये लाइन यहाँ पर मिलेगा और इसको ऐसे लिखना है, और थर्ड स्टेप में इस तरह, सेकेंड थर्ड. तो ये थर्ड स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, इसी तरह आप अपने बुक में भी लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट एफ. यहाँ एफ, कैपिटल एफ लिखा हुआ है, इस पर पेंसिल चलाइए. देखिए मैं पेंसिल चला रही हूँ, आप भी अपने बुक में इसी तरह लिखेंगे. ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड और ये थर्ड स्टेप. फिर यहाँ ट्रेस कीजिए पेंसिल को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. थर्ड स्टेप में ये कैपिटल एफ आप लिखे, है ना. इस तरह आप इस पर पेंसिल चलाइए, ये आपका F, F for fish, F for fish. लाइन को टच करते हुए लिखेंगे, F for fish. ओके, नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट F. यहाँ F लिखा हुआ है,
जैसे यहाँ पर आपको अभी मैं बताई थी, सेम लेटर यहाँ भी लिखना है और ये डॉट्स बने हुए हैं, इस पर आपको पेंसिल चलाना है कि यहाँ ये सारे डॉट्स पर आप पेंसिल चलाएंगे, यहाँ तक आपको पेंसिल चलाना है। ये डॉट्स पर मैं लिखकर बता रही हूँ, ये और ये दोनों डॉट्स को पहले मिलाएंगे। तो ये दोनों डॉट्स को देखिए, मैं इस तरह स्लोली स्लोली इसको यहाँ पर मिलाई, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर ये डॉट्स पर पेंसिल रखेंगे और इसको इस तरह ये डॉट्स से मिलाई, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको मिला दी, तो ये हो गया ना आपका लेटर F। फिर यहाँ ये यहाँ मिला दिए और इसको ऐसे ऐसे F फॉर फिश, F फॉर फिश, F फॉर फिश, ओके, F फॉर फिश, यह यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ जो डॉट्स है यहाँ पर भी आप लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ओनली वन डॉट बना हुआ है, तो यहाँ कैसे लिखना है देखिए, यहाँ पर वन डॉट यहाँ है, यहाँ भी एक डॉट बना दिए और यहाँ एक, ठीक है, और इसको इस तरह मिलाएंगे, इसको इस तरह, लेटर F, F फॉर फिश। एक और मैं बता दे रही हूँ आपको, F फॉर फिश, ओके। और ये सारे बॉक्स में आप खुद से लिखेंगे, ओके चिल्ड्रेन। नेक्स्ट मैं आपको कॉपी में लिख के बताती हूँ कैसे लिखना है कॉपी में भी। देखिए, ये इंग्लिश की कॉपी है, यहाँ F लिखा हुआ है, यहाँ पहले पढ़िए F, F फॉर फिश, F I S H, फिश, ओके। अब कॉपी में आपको कैसे लिखना है मैं बता रही हूँ, आप भी उस तरह लिखिएगा कॉपी में। ये डॉट्स को यहाँ ऐसे मिलाएंगे, फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ओके। देखिए इस तरह आप अपनी कॉपी में लिखिए। आप लिखने से पहले अपनी कॉपी में डॉट्स बना लीजिए, है ना, तो आपको बहुत आसान होगा लिखने में, आप इजली कॉपी में लिखिएगा, डॉट्स बना लीजिएगा ना, तो आपको सिर्फ डॉट्स पर पेंसिल चलाना होगा। तो मैं यहाँ देखिए आपको डॉट्स बना करके बता रही हूँ, ये हो गया और एक यहाँ आप बना दीजिए, है ना, तो ये डॉट्स को यहाँ मिला दी हूँ और इसको यहाँ, ये हो गया F फॉर फिश। फिर यहाँ पर लिखेंगे F फॉर फिश, ओके, F फॉर फिश, F फॉर फिश। बच्चों समझ आ रहा है आप लोग को? यस, यहाँ फिर मैं लिख रही हूँ F फॉर फिश, F फॉर फिश, F फॉर फिश। इसी तरह बोल बोल के लिखने से दोनों काम होगा, आपका लर्न भी हो गया और आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकेंगे, है ना। फिर यहाँ देखिए F फॉर फिश, F फॉर फिश, F फॉर फिश, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं F फॉर फिश,
एफ फॉर फिश। ये लाइन आप सीधी अगर आपकी हो गई ना, तो फिर आप बिल्कुल आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकेंगे। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। ओके, नेक्स्ट यहाँ लिख रही हूँ मैं, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। ओके, फिर मैं यहाँ लिखूँगी, देखिए, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। ओके, यहाँ भी लिख लिए। अब आप अपनी कॉपी में इसी तरह कैपिटल एफ लिखेंगे। बिल्कुल नाइसली कॉपी में आपको लिखना है, इसलिए मैं जब लिखती हूँ तो फुल पेज आपको लिख करके बताती हूँ, क्यों आप भी अपने कॉपी में इसी तरह लिखिएगा, है ना। लाइन को बिल्कुल सीधी खींचना है और उसके बाद ये इस तरह देना है। लाइन आपका जहाँ ये बिल्कुल सीधा, आप अगर लाइन दिए, ये लाइन आपकी सीधी हो गई, तो फिर आपको लेटर लिखने में परेशानी नहीं होगी। ओके चिल्ड्रेन, तो ये आपको बुक में मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। इसको आप लिखिएगा अपने बुक में। देखिए यहाँ पर मैं HW लिख दे रही हूँ। ओके ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।